नमस्कार, न्यूज 29 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कनुप्रिया। आइए नजर डालते हैं देश और विदेश की बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के एक बीजेपी नेता की गोली मार कर हत्या कर दी गई। यूपी के फूलपुर में पवन केसरी को उस वक्त गोली मार दी गई जब वह अपने दोस्त को छोड़ने स्टेशन जा रहे थे। गोली लगने के बाद पवन को स्वरूप रानी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस मामले की खबर लगते ही पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच कर रही है। हालांकि अब तक पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं लगा है। पवन फूलपुर नगर पंचायत के सदस्य भी थे। सद्दाम के जनाजे में आतंकियों ने किया शक्ति प्रदर्शन। हाल ही में आतंकियों ने एक ऐसा वीडियो वायरल किया है जिसमें सद्दाम का शव रखा है और वे हवाई फायरिंग कर रहे हैं। इस वीडियो के जरिए आतंकी देश में भय का माहौल पैदा करना चाहते हैं। वे सद्दाम के शव के पास खड़े होकर बदला लेने की बात कर रहे हैं। हालांकि अब तक यह पता नहीं चल सका है कि यह वीडियो किस जगह। जम्मू और कश्मीर में आए दिन पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो जाते हैं। घाटी में चल रही इस पत्थरबाजी में एक पर्यटक की जान चली गई, जिससे जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती बहुत आहत हुई है। वो मृत युवक के पिता से भी मिली और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को क्या तालीम दे रहे हैं, क्या हम उन्हें सिखा रहे हैं कि पत्थर उठाओ और सड़क पर चल रहे लोगों को मारो। यह शिक्षा इस्लाम तो कतई नहीं देता। उन्होंने कहा यह मानवता की हत्या है और पत्थरबाजों का कोई धर्म भी नहीं होता। मुफ्ती का कहना है कि इस घटना ने मेरे अंदर की मां को झकझोर कर रख दिया है। इसके बाद उन्होंने इन पत्थरबाजों पर सख्ती से कार्यवाही करने के लिए सर्वदलीय बैठक का भी आह्वान किया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों कर्नाटक चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इसी दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा में 2019 में चुनाव जीतने पर प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की। उनके इस बयान के बाद से सोशल मीडिया के साथ साथ बीजेपी नेताओं ने भी उन पर निशाना साध लिया है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल के इस बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल तो मुंगेरी लाल है और मुंगेरी लाल को सपना देखने से आखिर कौन रोक सकता है। हालांकि उनके इस बयान के बाद लोगों ने उन पर ही तीखी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दी। इसराइल दौरे के दौरान जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे को जूते में डेजर्ट परोसा गया। इससे जापानी राजनयिक ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि अगर यह मजाक है तो हमें यह मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी संस्कृति में कभी भी जूते को खाने की टेबल पर नहीं रखा जाता। हालांकि इसराइल राजनयिक ने भी इस पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि आबे को जूते में डेजर्ट परोसना मूर्खतापूर्ण निर्णय था। यह जापानी प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक है क्योंकि जापान में जूते को बहुत ही बुरा समझा जाता है। दरअसल शिंजो आबे को इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपने घर डिनर पर इनवाइट किया था। खाने के बाद जब उन्हें डेजर्ट परोसा गया तो नेतन्याहू के शेफ ने एक मेटल के जूते में चॉकलेट सर्व की, जिसे देखकर दोनों ही प्रधानमंत्री दंग रह गए। हम आपको बता दें, जापान में ऑफिसेज में भी जूते उतार कर ही प्रवेश किया जाता है। बैंकों से करोड़ों रुपए लेकर भागे विजय माल्या को विदेशी कोर्ट ने भी कोई राहत नहीं दी है। विजय माल्या ब्रिटिश कोर्ट में भी हार गए हैं और ब्रिटिश कोर्ट ने भारतीय बैंकों के 10,000 करोड़ रुपए की वसूली के दावे को सही करार दिया है। हम बात कर रहे हैं किंगफिशर एयरलाइंस की, जिसमें कंपनी पर $1 अरब से भी ज्यादा कर्ज जानबूझकर ना चुकाने का आरोप है। लंदन कोर्ट ने विजय माल्या की दुनिया भर की संपत्ति जब्त करने के आदेश बदलने से साफ इनकार कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ परमाणु समझौते को तोड़ने का फैसला ले लिया है। ट्रंप ने मंगलवार को व्हाइट हाउस से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी है। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम जानते हैं कि हम ईरान के परमाणु बम को नहीं रोक सकते हैं। ईरान समझौता गलतियों से भरा हुआ था, इसलिए आज मैं इस समझौते से अमेरिका के अलग होने की घोषणा कर रहा हूँ। ट्रंप के इस फैसले से ईरान ने कड़ी नाराजगी जताई है और धमकी देते हुए कहा है कि अगर समझौता तोड़ा जाता है तो वह पहले से कहीं ज्यादा यूरेनियम निकालेगा। ईरान के राष्ट्रपति हसन रोहानी ने कहा कि मैं ट्रंप के इस फैसले के लिए यूरोप, चीन और रूस से भी बातचीत करूंगा। ट्रंप के इस फैसले के बाद संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष एंटोनियो गुतरेस ने परमाणु समझौते से जुड़े सभी देशों से अपील की है कि वो इस डील को ना तोड़े और एक दूसरे के साथ बने रहें। ताजमहल का रंग बदलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी कि एएसआई से जवाब मांगा है।
और उनकी जमकर खिंचाई भी की है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि पहली बार 1986 में ताजमहल पर आदेश जारी किया गया था, लेकिन अब 22 साल गुजर जाने के बाद भी कुछ नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई से नाराजगी जताते हुए कहा कि एएसआई समझना ही नहीं चाहता है कि आखिर ताजमहल में समस्या क्या है। जब एएसआई ने कहा कि ताजमहल की दीवारों को हुए नुकसान के लिए काई और कीड़े मकोड़े जिम्मेदार हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ताजमहल को काई और कीड़े मकोड़े कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर यही सब चलता रहा तो केंद्र सरकार को ताजमहल के रखरखाव के लिए किसी दूसरे विकल्प की तलाश करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के रंग बदलने पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि किसी को नहीं पता है कि आखिर क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई जुलाई में करेगा। कर्नाटक के राजराजेश्वरी नगर विधानसभा क्षेत्र में 9,746 वोटर आईडी बरामद किए गए। एक फ्लैट से ये वोटर आईडी बरामद हुए हैं, जिसके बाद चुनाव प्रचार में राजनीतिक आरोपों का सिलसिला शुरू हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं और अब चुनाव आयोग तक यह मामला पहुंच चुका है। मुख्य चुनाव अधिकारी संजीव कुमार ने कहा कि प्राथमिक जांच में मतदाता पत्रों को असली पाया गया है, जबकि पर्चियों के असली या नकली होने का पता जांच के माध्यम से लगाया जाएगा। फ्लैट से 5 लैपटॉप और एक प्रिंटर भी बरामद किया गया है। देश और विदेश में अभी इतना ही, बाकी प्रदेश की हर अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।